वेलकम बैक कोरल ड्रॉ 6 ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स के साथ। मैं हूं इंस्ट्रक्टर उस्मान शहबाज और हम कोरल ड्रॉ में टूल्स का यूज़ सीख रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम कोरल ड्रॉ में जूम एंड पैन टूल को देखेंगे। दोस्तों, जूम का नाम जो आपको उसके नाम से पता है, जूम टूल के, कि किसी चीज़ को बड़ा वाजिया करके देखने के लिए आप जूम टूल यूज़ करते हैं। और इस जूम टूल की शॉर्टकट की कीबोर्ड से जेड है, अपने कीबोर्ड से जेड को प्रेस करें तो ये टूल सेलेक्ट हो जाता है। दोस्तों, जूम टूल जो है वो किसी भी शेप को या आपके वर्किंग को जूम करके करीब से वाजिया तौर पर दिखाने के लिए यूज़ होता है। और आप जूम करने के लिए किसी भी चीज़ पर क्लिक करते जाएँ तो वो चीज़ जूम होती जाएगी। अगर आप राइट क्लिक करते जाएंगे तो वो जूम आउट होती जाएगी और वो चीज़ दूर जाती जाएगी। इसी तरह आप किसी खास एरिया को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि पेज है। मैं कहता हूँ ये पेज जितना भी जूम हो सकता है हो जाए, तो हम ऐसे क्लिक करके सॉरी ऐसे इसको हम रेंज में ले लेंगे अपने पेज को, और फिर हमारी वर्किंग हमारे सामने आ जाएगी। जैसे हमने इसको जितना सिलेक्ट किया था ऑटोमेटिकली उतना उसने फोटो बना के दे दिया है। तो राइट क्लिक करने से ये जूम आउट होता है, दूर जाता है, और क्लिक करने से जूम इन होता है। इसके अलावा आप यहाँ से भी सेटिंग एडजस्ट कर सकते हैं कि इसकी सेटिंग कैसे हो। तो यहाँ पर हमारे जूम इन और जूम आउट की ऑप्शन है जो आप वैसे ही कर रहे हैं। और ये जो ऑप्शन आपको ऊपर नज़र आ रही है, जूम टू पेज, इसकी शॉर्टकट की शिफ्ट F4 है कि पेज के हिसाब से, पेज के जितना लंबा है उस हिसाब से जितना भी जूम हो सकता है वो हो जाए, तो आप इस पर क्लिक करने से वो वैसा हो जाएगा। इसी तरह जूम टू पेज विड्थ, चौड़ाई के हिसाब से जूम करना है तो क्लिक करें, पेज की चौड़ाई वाजिया होगी, लंबाई दूर चलेगी। इसी तरह आप जो है यहाँ पर जूम टू पेज हाइट लिखा हुआ है, तो ये पेज की हाइट के हिसाब से, लंबाई के हिसाब से वो काम करता है। इसी तरह ये जो है पेज की विड्थ के हिसाब से काम करता है। तो आप इससे जूम किसी भी चीज़ को करके अपनी वर्किंग परफॉर्म कर सकते हैं। और जूम कर जो टूल है वो हमारी वर्किंग के अंदर सफाई पैदा करने के लिए यूज़ होता है, क्योंकि अब जब हम कोई बारीकी से काम कर रहे होते हैं उसको अच्छी तरह से जूम करके एडजस्ट करते हैं, और जब हम जूम आउट करते हैं तो वो अपना रियल इफेक्ट बहुत ज़्यादा पैदा करता है। तो आप इस तरह से जो हमारा ये जूम टूल है इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, और शॉर्टकट की इसकी जेड है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पैन टूल को देखेंगे।